गुड इवनिंग सभी को, और हमारे सबसे पहले हमारी मुख्य अतिथि जितनी भी हैं हमारी, सबको स्वागत है इस महिला दिवस पे। और उसके बाद नई पहचान जिन्होंने यहाँ पे मुझे आपसे मुखातिब कराया एक नई पहचान के रूप में, मैं सच बात है कि आप लोगों के लिए आज नई पहचान हूँ, आप लोग मुझे पहली बार मिल रहे हैं। मेरा पूरा नाम शालिनी सिंह, मैं 10 सालों से आकाशवाणी केंद्र में प्रोग्राम कर रही हूँ। पहले वुमेन्स प्रोग्राम करती थी, अभी एक प्रोग्राम है जिसका नाम है श्रमिक जगत, इवनिंग में आता है 5:30 से 6। श्रमिक अगर देखा जाए तो श्रमिक शायद हम सब हैं, और सबसे पहली श्रमिक हमारी महिला है, ठीक है? क्योंकि पुरुष ने कब काम करना शुरू किया होगा, जब उसकी आवश्यकता हुई घर को चलाने की। लेकिन एक लड़की जब पैदा होती, जब वो थोड़ी बड़ी होती है, माँ उसको साथ में सिखाना शुरू कर देती है, यानी कि वो मेहनत बचपन से। आप देखते होंगे जिन परिवारों में बहन या बेटी जो बड़ी है, पहली संतान अगर बेटी है, तो जब माँ का दूसरा बच्चा होता है तो हम देखते हैं कि आधी परवरिश वो बहन कर रही होती है, ठीक है? तो वो माँ वहीं से बन जाती है, सीखती भी वहीं से है, शुरुआत श्रमिक की वहीं से हो जाती है। तो ये मतलब मेरे प्रोग्राम को मैं डिफाइन कर रही हूँ। उसके बाद मैं बात करूँगी कि हमारे अधिकारों की, आज हम महिला दिवस ये मना रहे हैं, तो मैं ना इतिहास की बात करूँगी कि क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ, या पहले हमारे साथ क्या हो रहा था। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें कि हमारी महिलाओं के क्या करने, आज हम बहुत आगे बढ़े हैं, हमारे बीच से हम लोग स्कूल कॉलेज तक जा रहे हैं, चाहे वो आप मुस्लिम महिलाएं हों चाहे हिंदू महिलाएं हों, जगह जगह की बात है। दूसरी बात, हम ये सोचते हैं कि हम विदेशी महिलाओं को देखते बहुत स्वतंत्र हैं, ऐसा नहीं है। विदेशों में भी अत्याचार है, वहाँ पर भी बलात्कार है, वहाँ पर भी उत्पीड़न है, क्योंकि वहाँ पर भी कुल मिला के वो एक स्त्री है। और स्त्री का मायने एक हिंदुस्तान हो या कहीं कोई भी देश, एक परिभाषा सब गढ़ी गई, पैदा करने वाली, जननी, यानी कि वो पैदा करती है, सृजन करती है, चाहे वो हमारी प्रकृति हो, चाहे हमारी, मतलब प्रकृति को हमें इसलिए जोड़ा कि प्रकृति में हमारे पेड़ हैं, पौधे हैं, पक्षी हैं, उसमें हम सब हैं, लेकिन यानी कि प्रकृति में पैदा हो रहा है और वही प्रकृति का रूप हम हैं जो हम पैदा कर रहे हैं, ठीक है? अगर हम संतानें पैदा कर सकते हैं, हम सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं, तो जाहिर तौर पे हम सब कुछ पैदा कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पे अनाज भी पैदा कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर धन भी पैदा कर सकते हैं, और इतिहास में आप देख लीजिए कि किया है औरतों ने। माध्यम आप देखिए कि इंसान हारा है, कहिए आगे बहुत सारी हमारे यहाँ प्रथाएँ आई, कुप्रथाएँ आई, यहाँ तक कि वेश्यावृत्ति भी आई, मानती होंगी इस चीज़ों को, ठीक है? मैं ये नहीं कहूँगी कि क्या गलत है क्या सही, हालातों ने वो सिचुएशन क्रिएट की होगी कोई स्त्री किसी भी कंडीशन में, लेकिन धनोपार्जन का माध्यम कोई पुरुष वेश्या नहीं बना होगा, महिला बनी होगी, धनोपार्जन उसने किया, यानी कि वो अगर चाहे या ज़रूरत पड़े तो वो कुछ भी कर सकती है, यानी कि जननी हमेशा जनन करती है, और वो हम हर क्षेत्र में कर सकते हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में कर सकते हैं, घर के क्षेत्र में कर सकते हैं। अब दूसरी बात मैं आपसे करूँगी कि हमारे बीच एक समस्या है कि हम क्या करें, बाहर निकलने नहीं मिलेगा, पढ़ाई ज़्यादा की नहीं है, इतनी की है कि बस चिट्ठी लिख लें, पढ़ लें, बच्चों का बेसिक होमवर्क देख लें, उससे ज़्यादा हम जॉब कहाँ करेंगे। मत करिए, आपकी पाबंदियाँ हैं, हम पाबंदी, जैसे कहते हैं ना कि जब हमें रास्ते नहीं मिलते, या सोचिए कि कभी युद्ध हो, आपको बाहर जाने का रास्ता ना मिले, तो क्या करते थे, सुरंग खोदते थे, मानते हैं इस चीज़ को? तो वैसे ही हमें धीरे धीरे सुरंग बनानी है, नेगेटिव थॉट के साथ नहीं, पॉजिटिव थॉट के साथ, ठीक है? वो सुरंग कैसे, आप सब खाना बना लेते हो बहुत अच्छा, ठीक है, सिलाई कढ़ाई मोस्टली महिलाएं, हर महिला जानती है थोड़ी बहुत, कुछ इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं और तरीके से, बाकी थोड़ी बहुत ज़रूरत के साथ आती है, ठीक है? आप लोग समूह में उसको कर सकती हैं, खाना बनाती हैं, टिफ़िन सर्विस, हॉस्टल में बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं, लड़कियां आती हैं, लड़के आते हैं, मैं नहीं कहती लड़कों के साथ जाके काम करें, लड़कियाँ हैं, लड़कियों के हॉस्टल है खाने के लिए, माँ के हाथ का खाना उन्हें याद आता है, वो काम आप बेहतर कर। अब सोचिए कि आपका जो अधिकार, पुरुष कहता है ना कि मेरे कोई अधिकार नहीं, खाना बनाने के क्षेत्र में भी जो हलवाई हमारा खाना बनाता है या रेस्टोरेंट चलाता है वो पुरुष चला रहा है, काम किसका है? जो तमगा मिला वो महिलाओं को मिला कि खाना बनाना तुम्हारा काम है, तो जब हमारा काम है तो हम वहाँ पर क्यों नहीं रेस्टोरेंट खोल सकते, हम क्यों नहीं ढाबा खोल सकते, खोल सकते हैं, बहुत छोटा काम है, बहुत ईजी काम है, घर से शुरू कर सकते हैं, पहला ये। दूसरी बहुत सारी चीज़ें और समस्याएं हमारे समाज में आई, जैसे कि आप जैसे मेरी फील्ड है, मैं रेडियो में काम करती हूँ, बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं कि कहते हैं कि हाँ बहुत बढ़िया काम है, आप तो बोलती हैं, आपको बहुत लोग सुनते हैं, होता है, लेकिन वास्तविकता बताऊँ कि इस काम को करने के लिए मैंने कभी सोचा नहीं था,
मुझे नहीं पता था कि मैं किस फील्ड में जाऊंगी, क्योंकि मैं जाती जाना चाहती थी आर्मी में। फादर ने कहा नहीं करना, नहीं गई। मैंने बोला मुझे डांस सीखना है, क्लासिकल, मना कर दिया, क्योंकि मैं एक राजपूत परिवार से हूँ। बोला कि ठाकुरों के परिवार की लड़की नाचेगी नहीं, सीधा सीधा। ये 7th क्लास की बात है। वहाँ पे मन टूटा, फिर मैं आई, हाई स्कूल किया यहीं आपके शामीना रोड GGIC से, इंटर किया। फिर लड़ाई शुरू हुई कि मुझे ग्रेजुएट करना है, ठीक है। तो जब ग्रेजुएशन के लिए आई तो मैंने कहा मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँगी। पिताजी ने बोला कि विश्वविद्यालय में लड़के पढ़ते हैं, आप वहाँ नहीं जाएंगी। तो मैंने कहा कारण, बहक सकती है लड़की पुरुषों के बीच में। मुझे वो लॉजिक समझ नहीं आया। इसलिए होता है, देखिए समाज में हम महिलाएं हों या पुरुष, एक उम्र के साथ भावनाएं पनपती हैं, सही और गलत हम सब कुछ करते भी हैं और सीख उन्हीं से सीखते हैं। अगर हम पुरुषों के साथ नहीं पढ़ते तो भी क्या गलत नहीं करते, या फीलिंग्स ना आती? आती, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, वो बदलाव आएगा। मेरे पिताजी का तर्क था, फिर जब हार गए कि मैंने कहा मेरा 1 साल ड्रॉप हुआ, वो हार गए कि मैं एडमिशन नहीं। मैंने कहा या तो शादी कर दीजिए आप, यही अगर टारगेट है यही कर दीजिए आप। फिर उन्होंने बोला कि तुम्हारे जैसे लोग यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते। ये बात मुझे, जिसे कहते हैं चोट की, और उस चोट, छोटी छोटी चोटों ने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो उनका स्टेटमेंट ये था कि मैंने पूछा कि क्यों नहीं पढ़ सकते, कहा दो तरह के बच्चे पढ़ते हैं, या तो बहुत अमीर ख़ानदानों के आते हैं और या फिर बहुत टॉपर होते हैं, दोनों में से तुम कुछ नहीं हो। क्योंकि GGIC जैसा स्कूल आप समझ सकती हैं, वहाँ टॉपर नहीं निकलते हैं, एक सामान्य औसत पढ़ाई वाले बच्चे होते हैं। तो ये बात मुझे चुभी, मैंने कहा अब पढ़ूंगी तो वहीं पढ़ूंगी वरना नहीं पढ़ूंगी। और यकीन मानिए 1 साल मेरा नुकसान हुआ, मार खाई, पर वहीं पढ़ा किया, वहीं पे मैंने पढ़ाई की, ग्रेजुएशन वहीं से कंप्लीट किया। फिर उसके बाद वहाँ पे बोलती बंद हो गई। फिर उस दौरान मैं करती थी बहुत सारे प्ले, शो, ड्रामे करती थी, सर्टिफिकेट्स मिलते तो मैं दिल्ली तक गई। वहाँ पे जो सर्टिफिकेट्स मिलते थे तो पिताजी बोलते थे ये काम नहीं आएंगे, पढ़ाई के रिज़ल्ट कहाँ हैं। फिर मैंने सिविल की तैयारी शुरू की, 1 महीने की तैयारी में राजस्थान प्री दिया, मैंने क्लियर किया। फिर मैंने कहा अब पैसे दीजिए कोचिंग के, नहीं दिए, ठीक है। फिर वो छोड़ा मैंने उसको। फिर मैंने कहा अब आखिरी फ़ीस आप दे दीजिए, ज़िंदगी में मत दीजिएगा। और यकीन मानिए 16,000 आखिरी फ़ीस थी मेरी। मैंने किया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फिल्म प्रोडक्शन का एक डिप्लोमा, वो इसलिए किया, मैंने, मेरा तर्क ये था कि जो मेरे शौक़ हैं, जो मेरे अंदर हुनर है, उसकी एक डिग्री मैं ले लूँ, शायद कभी काम आ जाए, क्योंकि पढ़ाई आप नहीं करा सकते। तो मैंने पढ़ा, उसको किया, और यकीन मानोगे आप लोग कि वो 16,000 मेरी ज़िंदगी की आखिरी फ़ीस थी। सीधे शादी हुई, शादी के बाद जो किया वो मैंने किया, मैं रेडियो में आई, शादी के बाद आई। बहुत सारी भावनाएं मेरी हैं, मैं लिखती हूँ, मतलब मेरी जो फीलिंग्स इन दौरान जो मेरे अंदर उमड़ता था मैं कह नहीं सकती थी, तो मेरी आदत थी मैं लिखती थी, लिख के रो लेती थी। मतलब ये समझिए कि जो किताब के पन्ने होते थे वो मेरी फीलिंग्स, वो मेरी सहेली थी, और वो हैबिट, वो लिखने की हैबिट मुझे रेडियो तक लाई। तो ये कभी हम नहीं सोच सकते हम कहाँ जाएंगे। और आप लोगों के लिए बहुत सारे मैसेज हैं, मगर मैं कविता के माध्यम से उसको आप लोगों के बीच रखूँगी, ठीक है। व्यस्तता है बहुत पर जियो खुद के लिए भी, सबकी परवाह करती रही, जिंदगी भर राह तकती रही, विश्वास जीतने के लिए सबका दिन रात घुटती रही। बेवक्त बदलता है मौसम, कुछ वक्त निकालो खुद के लिए भी। जीती रही सबके लिए, सांस लेने का वक्त नहीं, व्रत उपवास करती रही, सबके सपने बुनती रही, हाथ थामने को सबका दिन रात बस चलती रही। एक भी उपवास किया नहीं तेरे लिए, उपवास करो खुद के लिए भी। संवेदनाओं पर प्रहार हर कोई करता रहा, प्रेम और ममता फिर भी सबको सदा लुटाती रही, पेट भरने को सभी का दिन रात उंगलियां जलाती रही। प्यार से एक भी दिया न जला, चिराग जलाओ खुद के लिए भी। अस्मिता बचाने के लिए जार जार चीखती रही, सब कुछ मिटा दिया खुद का, बस आत्मा बची रही। हर एक के लिए लड़ी, छलनी आत्मा भी होती रही, किसी ने उठाई ना आवाज़ तेरे लिए, हथियार उठाओ खुद के लिए भी। लोरियां गा, अब देखिए बहुत बड़ी चीज़ मैं बोलने जा रही हूँ आखिरी में,
लोरियां गाती रही सुखनिंदिया सुलाने के लिए। ये अब अगली जो लाइन है वो हर महिला के, शायद हमारे बीच की मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय महिलाओं में श्रृंगार सब करती हैं, लेकिन क्यों करती हैं उसके पीछे राज देखिएगा कि श्रृंगार करती रही सदा उदासियां छुपाने के लिए। एक भी थपकी न मिली प्यार की, गुनगुनाओ खुद के लिए भी, प्यार करो खुद को, संवर जाओ खुद के लिए भी। तो बस आप लोग पुरुषों के लिए मत सजिए, दूसरों के लिए मत तैयार होइए, खुद के लिए तैयार होके देखिए, खुद के लिए करके देखिए। यकीन मानिए पुरुष भी खुश रहेगा, परिवार भी खुश रहेगा और परिवार के हर सदस्य खुश रहेंगे, क्योंकि आपकी पहचान होगी तो कॉन्फिडेंटली आपका बच्चा भी कहेगा हाँ मेरी माँ ये है। सबसे पहली टीचर आप हो। और मैं पुरुष जैसे आप बोल रहे थे कि हमारा कोई दिन नहीं है, हमारी जो प्रथाएं रही हैं पुरुष प्रधान देश में रहे हैं, हर दिन हर वर्ष और हर सदियां आपकी रही हैं। हम ये नहीं कहते कि आप हमें वो दिन दे दीजिए, वो अधिकार दे दीजिए, आपके अधिकार आपके रहेंगे। और हमारे अब जैसे सृजन की बात करें, अगर जननी हूँ मैं तो जननी आप हो नहीं सकते कभी, ठीक है, जननी आप कभी हो ही नहीं सकते। तो ये अधिकार हमारा है और इसको आप न छीन सकते, मतलब आप कुछ भी कोई भी कानून ले आइए, कोई भी कुछ भी ले आए, आप नहीं बदल सकते। तो जो सत्य है उसको एक्सेप्ट करिए, स्वीकार करिए। और सत्य यही है कि हम सब कर सकते हैं और हमने किया इतिहास में। जैसे आज पर्दा की हम बात करें, हम पर्दे में बैठे हैं, इतिहास में आप उठा के देखिए बहुत समय पहले पर्दा प्रथा नहीं रही होगी, क्योंकि इतना गंदा समाज नहीं था। पर्दे की ज़रूरत तब पड़ी, छुपाने की ज़रूरत तब पड़ी जब गंदगी आई हमारे बीच, तब हमें छुपना पड़ा, घर के भीतर छुपना पड़ा। पहले नहीं रहा होगा, पहले आपके मुस्लिम्स में क्या महिलाओं ने इतिहास नहीं रचे होंगे, ठीक है, नूरजहाँ का नाम सुना होगा, ठीक है, शाहजहाँ की पत्नी मुमताज का नाम सुना हो, शाहजहाँ नहीं पढ़े थे, ठीक है, ये लोग पढ़े नहीं रहे होंगे। शायद महिलाओं ने आके चेंज किया, चाहे वो चित्रकारी के फिर हो, चाहे तमाम भाषाओं के ज्ञान की बात हो। इतिहास में मैं बहुत ज़्यादा इतिहास नहीं पढ़ी हूँ, लेकिन जितना पढ़ी उसमें यही मैंने समझा कि जब जब महिला प्रेम विवाह हुए वहाँ पे, यानी कि स्वतंत्रता रही समाज में, महिलाओं ने भी प्रेम किया था। नूरजहाँ जैसी शख्सियत अगर आई तो ऐसा नहीं स्वतंत्रता नहीं रही होगी, रही होगी। सही तरीके से आप अपनी बात मनवाएंगे ज़रूर मानी जाएगी, ठीक है, चाहे वो घर हो चाहे बाहर। तरीका गलत, अब जैसे आजकल फैशन में जीन्स पहनती हैं लड़कियां, अच्छा लगता है, ग्लैमर है, तरीका गलत होगा वही चीज़ गंदी लगती है, ठीक है। जीन्स पहना है, अब ऐसी पहनी है कि आधी जीन्स नीचे जा रही है और टॉप ऊपर जा रहा है, कोई मतलब नहीं है ऐसे कपड़ों का। कपड़े आप पहनिए सलीके से, हर चीज़ सलीके में अच्छी लगती है, चाहे वो मॉडर्न ड्रेस हो चाहे कोई भी ड्रेस हो, ठीक है। तो ऐसे ही आप सबसे पहले अपनी पहचान को देखिए, अपने हुनर को देखिए और उसको छोटे छोटे तरीकों से आप कोशिश करिए, देखिए आपको रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का कि मुझे आपको संबोधित करने का मौका मिला और नई पहचान को।